जी अनिकेत जी, आप अभी जिला अभी युवा मोर्चा रह चुके हैं, बीजेपी के हैं, और आप चुनाव में भी आ रहे हैं। ताजपुर का नया नया नगर परिषद क्षेत्र बना है, तो इस चुनाव में आने का कारण क्या है और आप क्यों एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के लिए क्या क्या किए हैं, इस चीज़ के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। समाज के लिए हम बहुत सारा काम किए हैं, जैसे अभी पिछले दिनों कोरोना महामारी आया, उस महामारी में जब लोगों को खाने की समस्या, गरीब तबके के लोग जो लोग थे, जो होटल में काम करते थे, जो ठेला चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, जब सारा कुछ बंद हो गया तो मेरे दिमाग में आया कि उन लोगों का जीवन यापन कैसे चलेगा। तो मैंने अपने स्तर से जहाँ तक बन पाया, राशन, आटा, चावल, गेहूँ, जो भी राशन का सामान होता है, वो डोर टू डोर उनके घर तक पहुँचाया। पर डे मैं 2000 लोगों को अपने हिसाब से जहाँ तक बन पाया खाने की व्यवस्था की, लंगर लगा करके जो नीम चौक पर लगातार 15 दिनों तक चला, और भी जो मतलब पखो टोला हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे जहाँ पे गरीब तबके के लोग रहते हैं, उन सारे लोग जो वहाँ जा कर के उनको राशन पहुँचाया, खाना पहुँचाया, मास्क का लगातार वितरण हुआ, सैनिटाइजर, साबुन, और अवेयरनेस गाड़ी के माध्यम से, प्रचार गाड़ी मेरा 3-3 गाड़ी लगातार निकलता था और पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके कोरोना के प्रति कैसे जागरूक किया जाए लोगों को, जो इस महामारी के संक्रमण से वो बचे, ये काम लगातार जारी था कोरोना में। फिर ठंड के दिनों में वैसे लोग जो ठंड से परेशान रहते थे उनको कंबल का वितरण करना, और भी जो समाज से जुड़े मुद्दे हैं लगातार उनके विषय में, जो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात थी, उनको जिला मंत्री के पोस्ट पर रहने के बाद मैं अपने वेटर पैड पर लिख के जिला अधिकारी महोदय को, वीडियो साहब को देने का काम किया, सड़क अच्छे ढंग से बने। मतलब कि सामाजिक मुद्दा को या फिर सामाजिक क्षेत्र में आप लगातार जुड़े हुए हैं, और अभी चुनाव अब आने वाला है क्योंकि इसकी सरगर्मी तेज हो गई है, तो इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं जी। आपके क्षेत्र में जो है समस्या क्या क्या है? मेरे जो नगर परिषद क्षेत्र है, 5 पंचायत को मिला करके नगर परिषद क्षेत्र बनाया गया है, उसमें मेन जो बाजार का क्षेत्र है, जो ताजपुर मेन बाजार का क्षेत्र है, उसमें सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की। जब बारिश के दिनों में लगातार बारिश होती है, अत्यधिक वर्षा के कारण पूरा ताजपुर मतलब जल जमाव, सारा नाला ओवरफ्लो, नाला सही ढंग से बन नहीं पाने के कारण, उसका लेवल सही नहीं रहने के कारण पानी घरों में रहता है, गंदा पानी में लोग जीने के लिए विवश हैं, उससे भी महामारी फैल सकती है। तो पानी की समस्या, नाली और पानी जो जल जमाव होता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। बिजली मतलब तो रहता है, बट जो रास्ते पर जो लाइट होना चाहिए, लाइटिंग, रोशनी की व्यवस्था, उसमें कमी है। और अभी नगर परिषद क्षेत्र बनने के बाद जो जिस ढंग से साफ सफाई होना चाहिए, झाड़ू लगना चाहिए, कचरा को उठा के फेंकना चाहिए, ये पूरे क्षेत्र में सही ढंग से चल नहीं रहा है, तो इसको ठीक करना है। ये आपके क्षेत्र में प्रमुख समस्या है और इस पर आप काम कर रहे हैं? जी, फिलहाल तो ये समझ में आ रहा है। और आगे जैसे कि और भी बहुत सारा क्षेत्र आपके अंदर आता है, पॉलिटिकल आदमी हैं आप, तो बहुत सारा काम होगा, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है आपके क्षेत्र में कैसा है, और इस पर क्या आपको लगता है कि किस तरह काम करना चाहिए जिससे विकास हो शिक्षा में भी और स्वास्थ्य में भी? स्वास्थ्य को लेकर के अभी हमारा एक नया स्वास्थ्य उपक्रम बना है, तो वहाँ पे डॉक्टर सही ढंग से आए, टाइम पे आए, मतलब ड्यूटी हो उनकी, और जो भी मरीज आए उनको सही ढंग से दवा, एक्सरे, जांच वगैरह जो है सुचारू रूप से होना चाहिए, जिसके वजह से उनको बाहर समस्तीपुर या और कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। तो अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। शिक्षा की बात है, जहाँ तक शिक्षा की बात है, तो विद्यालय में शिक्षक समय पर आवे, बच्चे को अच्छी शिक्षा किस ढंग से दिया जाए, सुचारू टाइम टेबल उसके लिए सही होना चाहिए, मिड डे मील वगैरह व्यवस्था है वो सब सही ढंग से मिले, छात्रवृत्ति जो बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री की जो योजना है, साइकिल योजना, पोशाक योजना, बालिकाओं में सैनिटरी नैपकिन जो वितरण होता है, उस सब चीज़ों को रियल में बच्चों तक पहुँचे, ये सब अगर मेरे क्षेत्र में पड़ता है तो इस काम को जरूर करेंगे हम। अभी क्योंकि कोरोना खत्म हुआ है, चुनाव चला है, अभी आपके क्षेत्र में जो है अगर देखा जाए तो युवा वगैरह जो है सो उनका क्या हालात है, क्योंकि हर क्षेत्र में देखा जाता है कि बेरोजगारी बहुत चरम सीमा में, हर समाज भारत के अंदर अभी बेरोजगारी बहुत चरम सीमा में,
तो इस क्षेत्र में जो है सो लोकल फॉर वोकल जो प्रधानमंत्री जी का है या फिर आत्मनिर्भर भारत, तो इस प्रोग्राम को आप किस दिशा में कैसे आगे बढ़ाएंगे? युवाओं को, अभी जो युवा हैं बेरोजगारी के कारण, कोरोना जब से खत्म हुआ जो लोग बाहर से आए फिर दोबारा वापस बाहर महानगरों में जाना नहीं चाह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो बेरोजगार होने की वजह से उनके मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा है। उनका रुझान नशे के तरफ वो मूव हो रहे हैं, लगातार नशीला पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो नशा का कारोबार जो है वो बंद हो। उनको जो प्रधानमंत्री और जो भी योजनाएं आती है केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से, युवा उद्यमी योजना है और भी मुद्रा योजना है, तो मुद्रा योजना उनको लोन कैसे प्रोवाइड हो सके इसके विषय में जागरूक करना है, उनका पेपर कैसे कंप्लीट हो। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि हम उनको सही, अगर सही रास्ता मिलेगा उनको तो सही लाइन पर जाएंगे, नशा से दूर होंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। अगर युवा सदृढ़ होंगे तो अच्छा निर्माण होगा ये समाज का। महिलाओं के लिए भी काफ़ी सशक्तिकरण के नाम पे जो है महिला के लिए काफ़ी पैसा खर्च होता है हमारी सरकार के द्वारा, लगातार उनको जागरूक करने के लिए कार्यक्रम वगैरह चलाया जाता है, फिर भी हमारे समाज में आज महिलाएं आगे उस हिसाब से नहीं हो पा रही हैं, तो इस क्षेत्र में आप अपने समाज में कैसे काम करेंगे? महिलाओं को सरकार के द्वारा 50% आरक्षण दिया जा चुका है, लेकिन वो धरातल पर सही ढंग से कार्यरत नहीं, तो उसको ठीक किया जाएगा। अभी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक केंद्र सरकार की योजना है जिनमें बच्चा अगर प्रेगनेंसी पीरियड के बाद बच्चे के पोषण के लिए और माता के पोषण के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5,000 रुपया ये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो मेरे क्षेत्र में भी बहुत सारी महिलाओं के नाम पर एक फर्जीवाड़ा हुआ है और उनके गलत मतलब डॉक्यूमेंट्स दे के एक महिला का 3-3, 4-4 बार पैसा लिया गया है। तो ये सब महिला सशक्तिकरण को खोखला करने की नीति है कुछ दलालों भ्रष्टाचार के द्वारा, तो उसको ठीक किया जाएगा। जो भी योजनाएं बन पा रही है उसको धरातल पर कैसे उतारा जाएगा इसके पीछे काम किया जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार का बहुत सारा योजना सरकार का जो है बड़ी चर्चे जा रहा है, तो भ्रष्टाचार समाज में बहुत ज्यादा तेजी से फैला हुआ है, इस पर अंकुश लगाना भी, आप एक जनप्रतिनिधि होने के कारण तो ये भी अंकुश लगाना आपका दायित्व बनता है, तो इस पर कैसे काम करेंगे? बिल्कुल काम होगा, दृढ़ निश्चय के साथ काम होगा। जितने भी जनप्रतिनिधि अभी बनने मतलब जिनका हॉबी होता है हम जनप्रतिनिधि बने, वो अपना घर पहले भरने की कोशिश करते हैं, हम पैसा कैसे कमाएं इसको एक बिजनेस बना लिए, राजनीति को समाज सेवा न बना के एज ए बिजनेस की तरह लेते हैं, जो कि ये बंद होना चाहिए, है ना, ये बंद होना चाहिए और अच्छा काम जो समाज हित में हो वो होना चाहिए और वो किया जाए। अभी होली भी है और आप अपने समाज के लोगों को, जनता को क्या होली में संदेश देना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सभी ताजपुर नगर परिषद क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो, आपसी भाईचारा और सौहार्द के साथ होली और सब बारात भी पर्व एक साथ है, तो मेरी ये कामना है कि वो शांतिपूर्ण माहौल में आपसी सौहार्द के साथ बहुत अच्छे ढंग से पूर्व की तरह जो मनाते आए हैं उससे भी अच्छे ढंग से उसको समाप्त किया जाए इस पर्व को। मतलब हम कहना चाहेंगे कि बच्चों को बाइक उस दिन ना दे, रोड पे रोड एक्सीडेंट ना हो पाए उस दिन, गार्जियन का भी दायित्व बनता है कि अपने बच्चे के ऊपर कमांड करे, अच्छे सामाजिक समाज होने के नाते उनका दायित्व बनता है इन सब चीज़ों पर गार्जियन भी ध्यान दे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।